हेलो एंड वेलकम टू द स्विच एस्ट्रोलॉजी ऐप. और मैं नीना संधु आप सबका वेलकम करती हूँ यहाँ पर. ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. आपकी हर क्वेरीज का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप्स, सबको प्रॉब्लम रहती है. ज़्यादातर ये टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है कि इसमें छोटी छोटी बातों पर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी. तो देखेंगे हम कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम किस तरीके से इन इश्यूज को ख़त्म कर सकते हैं या कुछ हेल्प ले सकते हैं. हम बात करेंगे लव अफेयर्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, और जितने भी आपके से रिलेटेड क्वेरीज हैं मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी. आपने करना ये है कि आपने अपना बर्थ डिटेल्स यहाँ पे मुझे लिख देना है, साथ में अपना क्वेश्चन लिखना है. बर्थ डिटेल्स में आपने जो भी लिखना है उसमें है आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ये तीन चीजें हमें चाहिए. हेलो हेलो कृष्णा जी, करिश्मा जी, करिश्मा लोकाटे, नमस्कार. तो तीन चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इन तीन चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी. उसके आधार पर मैं आपका हॉरोस्कोप कास्ट करूंगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी. मनप्रीत जी हेलो, हाय, हेलो करिश्मा, फिरोज खान जी हेलो जी. लव अफेयर, लव मैरिज, आफ्टर मैरिज के रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ में आपस में किसी तरह की बातें नहीं बन रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई घर में कोई बात है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. करियर एंड फ्यूचर, नहीं हिमानी जी, आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो रिलेशनशिप्स को लेकर है. आप उससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज. लीना हेलो, लीना जी हेलो, करिश्मा, करिश्मा जी आपका बार बार आ रहा है मुझे मैसेज. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली जो है रिलेशनशिप्स और अफेयर के लिए है. उसी से रिलेटेड जो है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. जी लीना जी, मैं आपका लगाती हूँ, एक मिनट. मनप्रीत जी नमस्कार. मनप्रीत जी आप साथ में डिटेल्स तो बताइए तभी मैं ले पाऊंगी, ऐसे मैं कैसे लूंगी आप प्लीज. शिल्पा जी नमस्कार. शिल्पा जी 20th September 1993. शिल्पा जी आपका क्वेश्चन क्या है प्लीज बताएंगे मुझे. पंचकुला हरियाणा, टाइप ऑफ मैरिज. अच्छा एक सेकेंड. आपका बर्थ डिटेल्स मुझे यहाँ पूरा फीड करना पड़ता है तो उसमें मुझे 2-3 मिनट लग जाते हैं, इसलिए. हाँ जी शिल्पा जी, आपका लियो लगन है और आपकी जो राशि है वो तुला राशि है और सप्तम भाव में आपके शनि देव बैठे हैं, तो आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा बनते हैं और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं. अगर उम्र में बड़े ना हुए तो विचारों में आपके उनका बहुत गैप होगा, वो बहुत ही मैच्योर टाइप के इंसान होंगे.
लव मैरिज के चांसेस आपके मुझे कम दिखाई देते हैं, आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपने माता पिता की बात मानिए और जो वो आपके लिए पसंद करते हैं उसकी तरफ ही आप अपना मन बनाइए। लव मैरिज के चांसेस नहीं है, आप अरेंज मैरिज की तरफ ही जाइएगा। इसके साथ ही जो है आज का हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट होता है। आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर मुलाकात होगी, आप लोगों को जरूर मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड के लिए, जो भी आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक यू सो मच।